वालेकुम नाज़रीन, अगर आप लोग दुबई या किसी और मुल्क की जॉब्स ढूंढना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको विज़िट करें, आपको बहुत अच्छी अच्छी जॉब्स मिल जाएंगी। बढ़ते हैं अब तक की ताज़ा अपडेट की जानिब। 70 साल की बुजुर्ग खातून को 8.3 किलोग्राम मंशियात के साथ एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया गया। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से एक बुजुर्ग खातून को मंशियात की बड़ी मकदार के साथ गिरफ्तार कर लिया गया है। कस्टम हकाम ने खातून के कब्जे से 8.3 किलोग्राम क्रिस्टल मीथ बरामद की है। खातून ने रुई में लपेट कर इसे सूटकेस में बंद कर रखा था। पुलिस ने खातून के सामान की तलाशी के दौरान मालूम किया कि उसने एयरलाइन से कहा था कि दुबई से होते हुए उसका बैग इसकी रिहाइश तक पहुंचाए। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। जमीरा पाम स्ट्रिप में नया आमिर सेंटर जो इमिग्रेशन से मुतालिक खदमात फराहम करेगा। जनरल डायरेक्टोरेट ऑफ रेजिडेंसी एंड फॉरेनर्स अफेयर्स दुबई ने एक नया एडवांस्ड अमर सेंटर शुरू किया है जो इमिग्रेशन से मुतालिक मुख्तलिफ किस्म की खिदमात फराहम करेगा। GDRFA दुबई के डिप्टी डायरेक्टर मेजर जनरल ने जमीरा पाम स्ट्रिप में मजकूरा ने नए सेंटर का इफ्तिताह किया। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। मालकिन आपके कदमों में, अमारात में अपनी ही मालकिन पर काला जादू करने वाली मुलाजमा पुलिस के हत्थे चढ़ गई। एक एशियाई घरेलू मुलाजमा को उसके आजिर के खिलाफ जादू टोने करने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया है। जादू टोना करना मुतहदा अरब अमारात के वफाकी ताज़ीरात कोड के तहत काबिल सज़ा है। दुबई पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने नौकरानी को बदअनवानी की अदालत में भेज दिया। वाकई की तफसीलात के मुताबिक मुतासरा लड़की ने बताया कि इसे जहनी और जिस्मानी थकावट का सामना है और इससे शुबा है कि उसके मुलाजमा काला जादू कर रही है। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। अमराती दिरहम के मुकाबले में पाकिस्तानी रुपये की कदर मजीद गिर गई। जमेरात की सुबह UAE दिरहम के मुकाबले पाकिस्तानी रुपया तकरीबन 50.8 तक गिर गया, जबकि अमरीकी डॉलर और दिरहम महंगाई पर काबू पाने के लिए फेडरल रिजर्व की आंकड़ों और खौफनाक पॉलिसी की वजह से मजबूत हुए। XE.com के मुताबिक रुपया बुध के रोज 50.49 से गिरकर जमेरात की सुबह अमराती दिरहम के मुकाबले में 50.79 पर आ गया, जो डॉलर की मजबूती और पाकिस्तान में सियासी गैर यकीनी सूरत हाल के बायस नीचे आ गया। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। मुतहदा अरब अमारात के तेज तरीन सर्विस की रवायत, फायर फाइटर्स ने 21 मिनट में दुबई में लगी आग पर काबू पा लिया। दुबई सिविल डिफेंस के मुताबिक अल्कोसेस इंडस्ट्रियल एरिया 1 की पार्किंग में जुमे की सुबह लगने वाली जबरदस्त आग पर काबू पा लिया गया है। खलीज टाइम्स के कारीन ने इससे कबल आग की कई वीडियोज शेयर की थी जिनमें आसमान की तरफ कसिफ काले धुएं उड़ते हुए देखे गए थे। हकाम ने बताया कि आग ने कई गाड़ियों को लपेट में लिया था और ये के भारी धुआं जाए वकुआ पर मौजूद आतिशगेर मवाद की वजह से था। बढ़ते हैं अगली खबर की जाने। अचानक से लैन बदलने के खतरात से मुतालिक अबूधाबी पुलिस ने वीडियो जारी कर दी। मुतहदा अरब अमारात में सड़कें जितनी कुशादा हैं उतना ही उस पर गाड़ी चलाने में एहतियात बरतनी होती है। इस हवाले से आगाही मुहिम के तौर पर अबूधाबी पुलिस मुख्तलिफ मुहिमात चला रही है। अबूधाबी पुलिस ने एक मुहिम के हिस्से के तौर पर एक वीडियो जारी की है जिसमें बताया गया है कि अपने लैन से अचानक इनहराफ कितना खतरनाक हो सकता है। जुमा को सोशल मीडिया पर एक वीडियो में पुलिस ने एक वीडियो जारी की है जिसमें अचानक लैन बदलने के खतरात की निशानदेही की गई है।